नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एक कटोरी बेसन से पूरे परिवार के लिए रात की सब्जी, चाहे दिन की सब्जी, जब चाहे तब बनाए खाएं। और उसके लिए ये सब सामान चाहिए: एक बड़े साइज़ का टमाटर, एक बड़े साइज़ की प्याज, ये धनिया, तेज़पत्ता, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और इसमें मैंने मसालों में गरम मसाले और अदरक लहसुन पीस के रख लिया है, जिसे हम मसाले के लिए यूज़ करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसन डालेंगे, इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, और ये हींग है, इसे ज़रूर डालिए, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसमें पानी डाल के एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे, इसमें गुठलियाँ ना हो। धीरे धीरे पानी मिला के अच्छा सा घोल रेडी कर लेंगे। ये देखिए, अच्छा सा घोल रेडी हो गया है इस तरह का। तो आगे का प्रोसेस करते हैं। तवा को गरम कर लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल को चारों तरफ ऐसे फैला लेंगे। अब इसको हम बैटर को अच्छे से ऐसे फैला लेंगे। अब ये देखिए, ऐसे हल्का सा ऊपर से कुक हो जाए तो इसको हम ऐसे उठा के ऐसे इसको लगाएंगे। और हाथ से चाहे तो कर सकते हैं ऐसे, अगर हाथ से नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे चम्मच से ही आप करिए। ऐसे ऐसे इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। देखिए, इस तरह मैं सारा बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने कुक कर लिया है। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। कढ़ाई को रखेंगे गैस पे। देखिए, गैस जल रही है, और इसको कर लेंगे गरम। और इसमें डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप जो चाहे वो तेल इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल हो गया गरम, इसमें डालेंगे जीरा। यहाँ मेथी पड़ती है हमारे यहाँ, लेकिन मेथी इस टाइम मेरे पास नहीं है, तो मैं जीरा डाल रही हूँ, तेज़पत्ता, और ये प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें डालेंगे ये टमाटर, इसको भी अच्छे से भून लेंगे हम मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, टमाटर अच्छे से भून गया है। अब इसी टाइम पे डालेंगे मसाला, हल्दी पाउडर। इसी टाइम पे डालेंगे मसाला, ये ऑल पर्पज़ मसाला है, ये राजेश का मटन मसाला है, तो वो डाल रही हूँ मैं। आप कोई भी सब्जी मसाला यूज़ कर सकते हैं, या जो आप खाते हो वो मसाले यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे इसमें, बहुत थोड़ी डालेंगे, तीखी नहीं होती है, बस अच्छा कलर देती है। अब इसको अच्छे से हम तेल छूटने तक अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए, मसाला भून गया, तेल छोड़ दिया है। देखिए, अब यहीं पे डालेंगे हम गरम पानी, जितना आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से आप गर्म पानी डाल सकते हैं। अब इसको एक उबाल आने देंगे। तब तक चलिए, इन चीलों को हम बेसन रोल्स को ऐसे कट कर लेंगे, जितना चौड़ा या जितना पतला आप चाहें उतना कट कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे सारे हम कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारा कट कर लिया है। अब चलिए ग्रेवी को देखते हैं। ग्रेवी में भी अच्छा सा उबाल आ गया, वहीं डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इसी टाइम पे डाल देंगे ये सारा इसमें। ये देखिए, आपको जितना ग्रेवी रखनी हो उतना रख सकते हैं इसमें। ये कुक हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। अब चलिए इसको सर्व कर लेते हैं।
ऐसे बनाइए बेसन की सब्जी थोड़े में, और बहुत सारे लोगों को खुश कर दीजिए बना के, एंजॉय करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।